नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुर्गा, कबूतर और बतख, इन तीनों में किसका मीट अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं, तरह तरह के मीट खाते हैं, लेकिन दोस्तों लोगों को ये अनुमान नहीं होता है, लोगों को ये पता नहीं होता है कि मुर्गा, कबूतर और बतख, इन तीनों के मीट में कौन सा बेहतर होता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम बात करें मुर्गे की यानी कि चिकन की, तो दोस्तों मार्केट में चिकन दो तरह के अवेलेबल होते हैं, एक होता है देसी, दूसरा होता है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर दोस्तों सफ़ेद रंग के होते हैं, ज़्यादातर मार्केट में ये सस्ते रेट पे मिलते हैं, जबकि जो देसी मुर्गे होते हैं वो आपको तकरीबन 600-700 रुपए किलो मिलते हैं, और जो ब्रॉयलर होते हैं उनका मीट आपको 150-200 रुपए किलो के बीच में मिलेगा। मुर्गा दोस्तों, इसका जो मीट होता है ये आपको देसी और ब्रॉयलर दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों कबूतर की अगर हम बात करें, तो दोस्तों कबूतर के मीट का प्रयोग ज़्यादातर यूनानी मेडिसिन के रूप में किया जाता रहा है। कबूतर के मीट को नॉर्मली बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं और खाते भी कम हैं, लेकिन दोस्तों इसके मीट को लकवा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लकवा एक जो भयंकर बीमारी होती है उसमें इसके मीट का प्रयोग किया जाता रहा है। तो दोस्तों वहीं दोस्तों तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मीट होता है वो है बतख का मीट। और दोस्तों बतख के मीट की अगर बात की जाए, तो बतख का मीट दोस्तों बहुत सारे लोग खाते हैं। इस मीट की खासियत ये होती है कि काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है, और ये इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मिनरल्स, केमिकल होते हैं जो कि शरीर को मजबूत बनाते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो दोस्तों यदि इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए, तो तीनों के तो खैर अपने अपने फ़ायदे हैं दोस्तों, लेकिन मुर्गा, कबूतर और बतख, इन तीनों के मीट में जो सबसे अच्छा मीट माना जाता है वो बतख का मीट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुर्गे में इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और कबूतर दोस्तों छोटा जानवर होता है, छोटा पक्षी होता है, इसलिए कबूतर भी नॉर्मली आप उसे नहीं खा सकते हैं, वो काफ़ी महंगा भी होता है, साथ ही साथ इसमें और भी ज़्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। सिर्फ लकवा नाम की बीमारी में ही आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो बतख वहीं दोस्तों इसमें मीट की मात्रा ज़्यादा होती है, काफ़ी हेल्दी होता है, और बतख में दोस्तों बीमारियों की जो समस्या होती है वो कम होती है, यानी कि बतख जो होता है वो इन तीनों में सबसे बेहतर मीट है। यदि आप जब भी खाएं तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, आपको यही बताऊंगा कि बतख का मीट सेवन मुर्गे और कबूतर की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको खाने से दोस्तों आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा, आप स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सप्ताह में दो बार भी यदि इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको ये कंपैरिजन वाला वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।